हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यूज़ कम्युनिटी। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। तो मेरे को बहुत लोगों के यहाँ पे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैसेज आ रहे थे कि यहाँ पे लोगों को BGIS के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ रूल्स क्या है, और टीम्स किस हिसाब से रहेंगी, और कितनी टीम इन्वाइट आएंगी इस टूर्नामेंट में, और प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा। तो ये सब BGIS के रिगार्डिंग हर जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट BGIS वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर को, जैसे मैंने बोला कि हमारे डिस्कॉर्ड मेंबर्स ने ही हमसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको बताइए कि किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे प्रोसेस चलने वाला, तो इसीलिए हम एक वीडियो बना के लेके आए आप लोगों के लिए, सबके लिए, और ताकि आप सबको ये पता चल जाए कि सीधा हमको पर्सनली सबको ना बताना पड़े। तो कुछ नहीं करना, आप जैसे ही हमारे कोई भी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, एंड यू जस्ट हैव टू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। और डिस्कॉर्ड सर्वर में आने के बाद सबसे पहले आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं बता दूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर आने के बाद बहुत लोगों को चैनल्स नहीं दिखते, वो इसलिए क्योंकि हमने रिएक्शन रोल्स रखे हुए हैं। तो मस्ट हैव टू टेक रिएक्शन रोल। जो पहला रोल आपको लेना है वो लूप का रोल है, और उसके बाद जो आपको रोल्स लेने हैं वो आपका रिस्पेक्टिव गेम रोल्स रहेगा। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए लेट्स लेट्स रोल इट आउट इंट्रो। तो जैसा हमने बोला था, आज हम BGMIS के बारे में बात करने वाला है, जो कि है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज। ये BGMI लॉन्च पार्टी के बाद BGMI की तरफ से सेकेंड ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा। लॉन्च पार्टी में सिर्फ इनवाइटेड टीम्स थी, और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल किस हिसाब से टीम्स आएंगी और क्या रहेगा, उन सब के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये इस मतलब पार्टिसिपेशन एंड ऑल जो जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा, और इसके बाद जो इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स यहाँ पे BGMI ने निकाले हैं, तो रूल बुक यहाँ पे 25 पेज का रूल बुक है, तो वो रूल बुक भी आपके सामने TNC मामा आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे वीडियो लंबा ना कीजिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ट्राई करूँगा, बट अगर आपको कोई डाउट फिर भी आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो रूल बुक का होगा, रूल बुक का भी जो लिंक होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये रहा हमारा BGMIS का ऑफिशियल पेज, BGMIS ई स्पोर्ट्स करके इन लोगों ने एक पेज बनाया है टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, जो टीम्स रजिस्टर होंगी उनके लिए। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज, और इसका प्राइस पूल है, इसका प्राइस पूल 1 करोड़ का है, जैसे 100 लैक्स। तो यहाँ पे प्राइस पूल जो दिया है इन लोगों ने 10 मिलियन का, तो किस हिसाब से दिया है, प्राइस पूल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्वालिफायर्स किस हिसाब से होंगे और टीम्स किस हिसाब से आगे सेमी और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगी और अपना स्लॉट बनाए रखेगी। तो जैसा आपको मैंने पहले बता दिया, बिगेस्ट बैटल इज हियर, प्राइस पूल इज गोना बी 1 करोड़, 1 करोड़ INR। तो ये सबसे पहले हम चलते हैं टूर्नामेंट के फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, टूर्नामेंट के फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं, उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस होगी। और जैसा आप देख सकते हैं वेबसाइट में ही रजिस्टर नाउ का लिंक दिया हुआ है, सपोर्ट का भी लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ इनके सारे सोशल का लिंक्स भी यहाँ पे दिए गए। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इनके सोशल्स को भी फॉलो कर ले ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले चलते हैं टूर्नामेंट के फॉर्मेट के ऊपर। टूर्नामेंट जो 19th of July से रजिस्ट्रेशन चालू हुए हैं, यहाँ से जो इन गेम क्वालिफायर्स जो है, इन गेम क्वालिफायर्स में जितने भी टीम्स भले आई हैं, इसमें से यहाँ सिर्फ 1024 टीम्स ही क्वालिफाई करेंगी और वो ऑनलाइन क्वालिफायर्स में जाएंगी। और ये जो 1024 टीम्स क्वालिफाई करेंगी मीन्स 16-16 का ग्रुप रहेगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली, इट इट इज गोना बी 64
मैं 64 ग्रुप्स बोल सकते एक तरह से आप। और यहाँ पे इन गेम क्वालिफायर्स है क्या, मैं आपको एक बार डिस्कस करवा देता हूँ। तो प्लेयर्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज विल हैव टू प्ले 15 मैचेस विद देयर रजिस्टर्ड टीम मेंबर्स ओवर द गिवन टाइम पीरियड फ्रॉम 2nd of August टू 8th of August। आपको अपने रजिस्टर्ड टीम मेंबर्स के साथ मैचेस खेलने रहेंगे गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही, और टोटल 15 मैचेस आपको खेलने रहेंगे अपनी रजिस्टर्ड टीम के साथ। आप प्लेयर्स चेंज नहीं कर सकते। तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है तो सब्स्टिट्यूट आप पहले से फिल कर ले, यही आपको कहना चाहूँगा। तो इसलिए आप टोटल 15 मैचेस आपको रजिस्टर्ड टीम के साथ ही खेलना पड़ेगा, और द टॉप 10 of 15 मैचेस विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन एंड स्कोर्ड अकॉर्डिंगली। तो आपके जो टोटल 15 मैचेस हैं उनमें से टॉप 10 मैचेस को लिए जाएंगे, और जो टॉप 10 आपके हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस रहेंगे उनको लिया जाएगा, और उनके हिसाब से आपका स्कोर इवेल्युएट किया जाएगा। और इन केस अगर कोई टाई होता है तो सर्टेन पैरामीटर्स सच एज फिनिशर्स, सर्वाइवल टाइम, एक्यूरेसी भी लिए जा सकते हैं अगर अगर आपके इवेल्युएशन और स्कोर में कोई टाई हो रहा है। तो इस केस में आपका एक्यूरेसी तक देखा जाएगा कि आपका मे बी हेडशॉट परसेंटेज एंड ऑल, ये सब आप समझ सकते हैं एक्यूरेसी रेट, और ये सब भी आपके देखे जा सकते हैं। सर्वाइवल टाइम, नॉर्मली आपके अगर टाई नहीं होता है तो नॉर्मली आपको जो 15 मैचेस हैं 15 मैचेस में से 10 मैचेस के बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि आपकी रैंकिंग देखे जाएंगे और आपके फिनिशर्स देखे जाएंगे। और यहाँ से टॉप 1024 टीम्स क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड में। और रजिस्टर्ड टीम जैसा मैंने बताया कि 15 मैच जो उनको खेलना है वो 2nd of August से 8th of August तक कभी भी खेल सकती है। टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2nd of August को 00 आवर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं कि रात के 12 बजे से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और 8th of August के रात के 12 बजे से पहले 1 मिनट पहले आपका टाइम खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको 15 मैचेस कंप्लीट कर लेने हैं, और ऑफ कोर्स आपके जो 15 मैचेस जो आपके यहाँ पे इवेल्युएट किए जाएंगे स्कोर के लिए वो ऑफ कोर्स आपके रजिस्टर्ड टीममेट्स के साथ ही होंगे। इन लोगों ने नोट में ये पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, तो आप लोग भी ये टीम ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे जो इन गेम क्वालिफायर्स में जो टीम सेलेक्ट हो जाएंगी, टोटल जो 1024 टीम, भले आप कितनी भी टीम्स आई हो यहाँ पे सिर्फ 1024 टीम्स ही सेलेक्ट होने वाली है, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और इन गेम क्वालिफायर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल इरेंगल मैच खेलना है जो कि दैट वुड बी इजी फॉर यू। तो आप आराम से आप अपना बेस्ट जो इरेंगल में देते हैं, आपको जो मैप आपको सही से पता हो आप वही मैप रिपीटेडली खेलिए, और आप जिस टीम के साथ मोस्टली खेलते हैं उसी टीम के साथ रजिस्टर करिए, और साथ ही जो आपका ड्रॉप लोकेशन होता है प्रॉपर ड्रॉप लोकेशन को भी यूज किया जाए। और साथ ही साथ इसके बाद के हम अभी नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्वालिफायर्स होगा उसमें क्या होगा और उसमें से खुद कितने सीम्स सेलेक्ट होने वाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये यहाँ से जो 1024 टीम्स क्वालिफाई करेगी उनमें से फिर आगे ये ऑनलाइन क्वालिफायर्स में जाएंगी जो कि होगा 17th of August और से लेके 12th of September तक। तो इनका कैसे रहेगा, इसमें ऑनलाइन क्वालिफायर्स में टोटल 3 राउंड्स होने वाले हैं। तीनों राउंड्स में से जो टोटल टीम्स क्वालिफाई करने वाली है वो है 64 टीम्स। तो जो टोटल 64 टीम्स क्वालिफाई करेंगी वही अपना स्लॉट बुक करवा पाएंगी, अपना स्लॉट बना पाएंगी क्वार्टर फाइनल्स में। तो मैं थोड़ा मे भी हो सकता है कि आप लोगों को लगे मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आप लोग एक बार इस वेबसाइट को अपने आप से विजिट कर लीजिए। अगर फिर नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए उस प्रॉब्लम को। यहाँ पे टोटल 1024 टीम्स जो यहाँ पे आ चुकी है और गेम क्वालिफायर से खेल के, उनका राउंड वन में यहाँ पे 64 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, और ईच ग्रुप विल हैव टू प्ले 2 मैचेस ईच ऑन द स्पेसिफाइड डेट। हर ग्रुप को पर्टिकुलर डे में जिस दिन उनके मैचेस होंगे उस दिन उनको 2 मैचेस खेलने हैं। द टॉप 8 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप विल फर्दर क्वालिफाई फॉर द राउंड 2 ऑफ ऑनलाइन क्वालिफायर्स। मतलब जो 64 टीम्स होंगी
उनमें से हर ग्रुप में से 8-8 टीम्स जिनका स्कोर सबसे अच्छा रहेगा, जिनका रैंकिंग सबसे अच्छा रहेगा, जिनके फिनिशेस सबसे अच्छे रहेंगे, वो यहाँ पे राउंड टू ऑनलाइन क्वालिफायर्स में जाएंगे। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इट्स गोना बी अराउंड 250 टीम्स और समथिंग, और जो 1000 टीम्स थी आप समझ सकते हैं 1/4 कट यहाँ पे राउंड वन में ही हो जाएगा। तो आपको राउंड वन में भी, आपको राउंड वन ये ऑनलाइन क्वालिफायर्स को हल्के में नहीं लेना, इसमें भी आपको परफॉर्मेंस अच्छे से देना पड़ेगा। और यहाँ जो टॉप 8 टीम्स जो सेलेक्ट होंगी, जो टोटल 250 के नियर टीम सेलेक्ट होंगी, और वो जाएगी राउंड टू में। और यहाँ से जो अब ये राउंड टू में जाने वाली टीम्स टोटल, सॉरी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, टोटल 500 टीम्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। द टॉप 512 टीम जो फर्स्ट ऑनलाइन क्वालिफायर्स के राउंड वन में क्वालिफाई करेंगी, वो यहाँ पे आके 32 ग्रुप्स में बटे हैं। तो जो 1024 ग्रुप्स, जो 1024 जो टीम्स थी, वो यहाँ पे 64 ग्रुप्स में बटी थी राउंड वन में, और राउंड टू में यहाँ पे आके 512 टीम्स यहाँ पे 32 ग्रुप्स में बटेंगी। तो आपको राउंड आपको क्लियर करना है कि राउंड में किस हिसाब से टीम्स यहाँ पे डिवाइड होने वाली है। और यहाँ पे भी सेम होगा, सेम आपको स्पेसिफाइड डेट पे, आपको जो आपका ग्रुप का जो स्पेसिफाइड डेट होगा, उस दिन आपको 2 मैचेस खेलने रहेंगे। और यहाँ से टॉप 7 टीम्स जो यहाँ पे 32 ग्रुप्स हैं, उनमें से टॉप 7 टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगी। हर ग्रुप में से 7 7 टीम्स, डोंट बी कंफ्यूज, हर ग्रुप में से 7 7 टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगी, और वो ऑनलाइन क्वालिफायर्स के राउंड 3 में मूव इन करेंगी। और राउंड 3 फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा, राउंड 3 जो होगा टॉप 22 24 टीम्स टोटल, जो कि राउंड 2 के यहाँ से क्वालिफाई हो गए, जो हर ग्रुप में से यहाँ पे 7 7 टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगी, वो यहाँ पे राउंड 3 में आने वाली है। तो टोटल टॉप 224 टीम्स फ्रॉम ऑनलाइन क्वालिफायर्स सेम। एंड यहाँ पे एक ट्विस्ट होने वाला है कि जो 32 इनवाइटेड टीम्स थी, अगर आपको नहीं पता हो तो BGIS में टोटल 32 इनवाइटेड टीम्स है, और ये टोटल 32 इनवाइटेड टीम्स कौन सी होने वाली है, इनकी कोई प्रॉपर जानकारी अभी तक रिवील नहीं की गई है, बट आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही प्लेयर्स होंगे, ये वही टीम्स होंगे जो कि अपना परफॉर्मेंस पास्ट पबजी मोबाइल के टूर्नामेंट्स में दिखा चुकी है, जैसे कि PMCO, PMPL, या फिर जो भी PMITs एंड ऑल जो पॉपुलर टीम्स थी, जो अपना परफॉर्मेंस दिखाती आई थी कंसिस्टेंसी के साथ, उनको ही इनवाइट किया जाएगा यहाँ पर। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे जो अभी TSM तो बैन हो गई है, बट उनके प्लेयर्स वो हो सकते हैं, साथ ही साथ सोल की जो नई टीम यहाँ पे अनाउंस हुई है वो भी हो सकती है, टीम GE हो सकती है, और भी बहुत सारी टीम्स यहाँ पे हो सकती है। तो राउंड 3 की हम बात कर लेते हैं, राउंड 3 में यहाँ पे टॉप 224 टीम्स जो आई, और यहाँ इनके साथ 32 इन्वाइटेड टीम्स, तो टोटल मिला के यहाँ पे हो गए हमारे 256 टीम्स। 256 टीम्स यहाँ पे जो होगी, अब वो 256 टीम्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा 16 ग्रुप्स में, और सेम यहाँ पे सेम इनको भी डेली के 2 मैचेस स्पेसिफाइड डेट्स पे खेलनी पड़ेंगे। और राउंड 3 में यहाँ पे सिर्फ टॉप 4 टीम्स ही क्वालिफाई करेंगी हर ग्रुप में से। तो हर ग्रुप में से यहाँ पे अब समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, तो आपके पास चांस राउंड 3 में आपको बहुत एक तरह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 3 बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो 32 इनवाइटेड टीम्स आने वाली है, वो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम दे सकती है नॉर्मल टीम्स को, क्योंकि यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ T1 प्लेयर्स होने वाले हैं, जो इन्वाइटेड टीम्स है वो T1 प्लेयर्स होने वाले हैं, T1 प्लेयर्स यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे अब हो चुकी है 16 x 4, यानी कि 64 टीम्स यहाँ से ऑनलाइन क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करेंगे। तो ऑनलाइन क्वालिफायर्स अगर किसी को समझ में नहीं आया, तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके समझ सकते हैं। हम थोड़ा वीडियो के आगे बढ़ लेते हैं, मैं आपको री एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वीडियो में भी लेंथ लंबा और चला जाएगा, हमने तो 15 मिनट्स का सोचा था, बट ये वीडियो और भी लंबा हो सकता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जितना शॉर्ट हो सके उतना हो सके। तो फिर क्वार्टर फाइनल्स जो कि आप ऑफिशियल जो होगा वो राउंड 3 होगा एक तरह से,
ऑनलाइन क्वालिफायर्स का राउंड थ्री नहीं, ऑफिशियल थर्ड फेज ऑफ टूर्नामेंट जो होगा वो होगा क्वार्टर फाइनल्स, जो कि 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलेगा। और यहाँ से जो टीम्स क्वालिफाई करेंगे उनका टोटल नंबर होने वाला है 24 टीम्स। तो 64 टीम्स जो यहाँ ऑनलाइन क्वालिफायर से आई थी उनमें से 24 टीम्स यानी कि टोटल 40 टीम्स यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने वाली है। डिस्क्वालीफाई इन द सेंस उनको घर जाने का वापस रास्ता देखना पड़ेगा। तो क्वार्टर फाइनल्स का किस हिसाब से चलेगा कि क्वार्टर फाइनल्स में भी एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे लूजर ब्रैकेट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्वार्टर फाइनल्स कैसे होने वाले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। द टॉप 64 टीम्स जो ऑनलाइन क्वालिफायर्स से जो राउंड ऑनलाइन क्वालिफायर्स के राउंड थ्री से जो सेलेक्ट होके आई है वो यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसा मैंने कहा था सारे मैचेस यहाँ पे जो होने वाले हैं आगे जाके हर ग्रुप में यहाँ पे 16 टीम्स ही होने वाली है। तो 16 टीम हर हर सॉरी हर ग्रुप में यहाँ पे 16 टीम्स होने वाली हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स बने जाएंगे और ईच ग्रुप विल हैव टू प्ले 6 मैचेस ईच ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स। यहाँ से आपका थोड़ा बर्डन बढ़ता है क्योंकि जहाँ आपको ऑनलाइन क्वालिफायर्स में 2 मैचेस पर डे खेलने पड़ रहे थे अब यहाँ पे टोटल 6 मैचेस स्पेसिफाइड डेट्स पे आपको खेलने पड़ेंगे और सेम रजिस्टर्ड टीम के साथ। तो दैट्स नॉट गोना बी ईजी और आपको टाइम प्रॉपर मिलेगा, टाइम शेड्यूल सारी चीज़ें आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएंगी। और जो टॉप 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप जो टोटल 4 ग्रुप्स होंगे, 4 ग्रुप्स में से जो टॉप 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप विल फर्दर क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल्स एंड द रिमेनिंग टीम्स विल प्ले इन द लूजर ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितने टीम्स यहाँ पर, टोटल हर ग्रुप 4 ग्रुप से यहाँ पे चार चार टीम्स आ चुकी है, तो टोटल 16 टीम्स हो गए। और बाकी जो बची हुई टीम्स थी यहाँ पे 64 में से जो सॉरी 24 में टीम 24 टीम्स थी, 24 टीम्स यहाँ से क्वालिफाई करने वाली है। 64 टीम्स यहाँ पे आई थी, 64 टीम्स में से यहाँ पे सिर्फ जो बोल सकते हो ऑलरेडी 40 टीम्स चली गई, और 40 टीम्स में से अब ये जो चली गई उसके अलावा जो यहाँ पर 24 टीम्स बचती है, 24 टीम्स में से जो टॉप 4 टीम्स होगी हर ग्रुप में से वो ऑलरेडी क्वालिफाई करके यहाँ पे चली जाएगी सेमीफाइनल्स में। तो यहाँ पे 16 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल्स के लिए, बाकी जो बची हुई टीम्स होंगी उनको यहाँ पे मौका मिलेगा लूजर ब्रैकेट में खेलने का। तो लूजिंग 48 टीम्स जो होंगी वो यहाँ पे खेलेगी, यहाँ पे 3 ग्रुप उनका भी डिवाइड किया जाएगा, 16 में टीम्स पर ग्रुप, मैंने पहले भी बताया था 16 टीम्स ही होने वाली है पर ग्रुप, और इन सबको भी 6 मैचेस पर डे खेलने पड़ेंगे। और ये जो 3 ग्रुप होगा इन 3 ग्रुप से टॉप 2 टीम्स को यहाँ पे वापस सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे जो टोटल आप बोल सकते हैं और जो तो सेमीफाइनल्स है, सेमीफाइनल्स में यहाँ जाने वाली है 24 टीम्स। 24 टीम्स में से जो नॉर्मली जो क्वार्टर फाइनल्स में जो 16 टीम्स जाएंगी वो चली जाएंगी, और साथ ही साथ लूजर ब्रैकेट में से यहाँ पे 8 टीम्स जाने वाले हैं, क्योंकि 48 टीम्स यहाँ पे 3 ग्रुप में डिवाइड होती है और हर ग्रुप से यहाँ पे 2 टीम यहाँ पे सेलेक्ट होने वाली है। और ओवरऑल स्टैंडिंग जो होगा और जो द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग अलॉन्ग विद 2 टीम्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनिशर्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टॉप 3 टीम्स है वो जो टॉप 3 ग्रुप सॉरी हर 3 ग्रुप में से जो टॉप 2 टीम्स है वो सेलेक्ट की जाएंगी। तो यहाँ पे 16 प्लस 6 ये हो चुका हमारा 22 टीम्स। 22 टीम्स प्लस अभी 2 टीम्स जो और जाएंगी उनका ऐसा होगा कि जो तीनों ग्रुप्स में सबसे ज्यादा फिनिशर्स के साथ होंगी, जो मोस्ट किल स्कॉर्ड होगी आप बोल सकते हैं, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा सेमीफाइनल में जाने का। तो सेमीफाइनल का भी आप बोल क्वार्टर फाइनल का भी आप बोल सकते हो कि 3 फेज है। फर्स्ट फेज जो डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और वहां से 48 टीम्स एलिमिनेट होंगी, 48 टीम्स वापस से फाइट करेंगी, और 48 टीम्स जो फाइट करेंगी उनको वापस 3 ग्रुप में डिवाइड करके यहाँ से भी जो सेकेंड फेज होगा यहाँ पे डायरेक्टली प्लेयर सेलेक्ट होंगे और मैचेस सेकेंड और थर्ड फेज आप बोल सकते हैं एक ही रहेंगे, बट यहाँ पे सेकेंड फेज का डायरेक्टली ये होगा कि जो ओवरऑल स्टैंडिंग में जो टॉप कर रहे होंगे हर ग्रुप में से 2 टीम्स वो क्वालिफाई कर लेंगी डायरेक्टली, और उसके बाद जो 2 टीम्स तीनों ग्रुप में से मिला के 2 टीम्स को यहाँ पे मौका मिलेगा अपने आपको प्रेजेंट करने का
सेमीफाइनल में। तो टोटल यहाँ पे हमारी 24 टीम्स हो गई। और जो यहाँ पे जो पॉइंट सिस्टम रहेगा वो थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा। लूजर ब्रैकेट में, लूजर ब्रैकेट में हर एक टीम को यहाँ पे एक फिनिश कार्ड और एक प्लेसमेंट कार्ड दिया जाएगा। फिनिश कार्ड विल बी क्या करेगा कि जब आप फिनिश कार्ड आपका अप्लाई होगा तो फिनिश कार्ड के थ्रू आपका आपको किल पॉइंट्स 2x किल पॉइंट्स मिलेंगे। और जो प्लेसमेंट कार्ड रहेगा वो आपको 1x5 प्लेसमेंट पॉइंट्स देगा, जो कि नॉर्मली इनका सेट जो प्लेसमेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आने वाली टीम को यहाँ पे 15 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप आपकी प्लेसमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है तो आपके पास अगर प्लेसमेंट कार्ड है, मतलब आपका प्लेसमेंट कार्ड जो है उसके हिसाब से एक एक फिनिश कार्ड और एक प्लेसमेंट कार्ड ही है, तो आप वो भी थोड़ा ध्यान से यूज किया जाएगा। तो एक प्लेसमेंट कार्ड अगर आपका यूज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप टॉप चिकन डिनर के साथ आए हैं और आपके यहाँ पे 10 किल्स हुए, तो यहाँ पे आपको अगर जहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे वहाँ पे आपको फिनिश कार्ड की वजह से आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ प्लेसमेंट कार्ड का ऐसा रहेगा कि आप तो अगर चिकन डिनर कर रहे हैं तो 15 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, तो 15 पॉइंट्स की जगह यहाँ पे आपको 7 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जो कि 22 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो दैट्स ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे सेमीफाइनल्स में जाने के लिए। फिर हम चलते सेमीफाइनल्स की तरफ। और क्वार्टर फाइनल्स में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं कि लूजर ब्रैकेट के किस हिसाब से जाने वाले। तो सेमीफाइनल्स यहाँ पे 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तो होगा, जो टोटल यहाँ से 16 टीम्स ही क्वालिफाई करेंगी और जो ग्रैंड फाइनल्स में जाने वाली। टोटल 24 टीम्स यहाँ आएंगी और 24 टीम्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 16 टीम्स क्वालिफाइड फ्रॉम द क्वार्टर फाइनल्स अलोंग विद 8 टीम्स क्वालिफाइड फ्रॉम द लूजर ब्रैकेट। लूजर ब्रैकेट में जो पहले यहाँ पे 6 टीम क्वालिफाई हुई और उसके बाद जो दो तीन ग्रुप्स में से 2 टीम क्वालिफाई करेंगी मोस्ट फिनिशेस के हिसाब से। तो टोटल 8 टीम्स प्लस 16 टीम 24 टीम्स हो गए, विल बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप। अब यहाँ पे हर ग्रुप में 8 8 टीम्स ही बचेंगी। तो या अब क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी तगड़ा हो चुका है तो हर ग्रुप में 8 8 टीम्स बचने वाली है और इन ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे। और एक एक ग्रुप को एक स्पेसिफाइड डे पे ऑलरेडी 6 राउंड रॉबिन्स खेले जाएंगे। तो राउंड रॉबिन्स का जो सिस्टम रहेगा वो आपको बीजीएमआई की तरफ से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ 6 राउंड रॉबिन्स विल बी प्लेड बाय ईच ग्रुप। तो जो भी होंगे टोटल यहाँ पे 24 टीम्स आई है, उनमें से जो 3 ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप का अगर मैच है तो सारी टीम्स को मतलब टोटल 6 राउंड रॉबिन्स यहाँ पे खेलने पड़ेंगे। 6 राउंड रॉबिन्स आप मोस्ट प्रोबेबली आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये सेम पॉइंट टेबल के हिसाब से ही जाने वाला है। और यहाँ से जो हमारी टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई करेंगी वो जाएंगी ग्रैंड फाइनल्स में। और ग्रैंड फाइनल्स होगा 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। तो यहाँ पे टॉप 16 टीम्स आ गई और टोटल जो टॉप 16 टीम्स आएंगी उनको 4 दिन के अंदर अंदर टोटल 20 मैचेस रहेंगे खेलने को। और जो द हाईएस्ट नंबर ऑफ जो स्कोर होगा, जो हाईएस्ट स्कोरिंग टीम होगी वो यहाँ पे हमारा बीजीएमआई सीरीज की विनर कहलाएंगी। और ऐसा नहीं है कि टॉप बाकी टोटल 15 टीम्स को यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइस पूल जैसा मैंने पहले बताया था, इट्स गोना बी 1 करोड़ INR। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से है कि फर्स्ट प्लेस जो होगा वो होगा 50 लाख। तो फर्स्ट प्राइस जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो 50 लाख रुपीज का है। सेकेंड प्लेस आने वाले को और थर्ड प्लेस आने वाले को भी 25 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। तो सेकंड प्लेस को यहाँ पे 25 लाख मिल गए और थर्ड प्लेस को यहाँ पे 10 लाख। उसके अलावा फोर्थ प्लेस को 3 लाख, फिफ्थ प्लेस को 2 लाख और सिक्स्थ प्लेस को भी यहाँ पे 1.5 लाख मिलने वाले हैं। सेवन्थ प्लेस को 1 लाख, एट्थ प्लेस को 90,000, नाइन्थ प्लेस को 80,000, टेंथ प्लेस को 70,000, इलेवेंथ प्लेस को 60,000। और बाकी जो टीम्स होंगी उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो 12th प्लेस पे यहाँ पे 50,000, 13th प्लेस पे 40,000, 14th प्लेस पे 30,000, 15th प्लेस पे 20,000 और जो 16th जो लास्ट टीम होगी जो कि ग्रैंड फाइनल्स में जाएंगी, जो मतलब भले हार गई लेकिन अगर वो टॉप 16 टीम को कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल रहा है तो 16th टीम को भी यहाँ पे 10,000 का प्राइस पूल मिलेगा।
साथ ही साथ जो द लॉन्ग रेंजर होगा, जो कि दो आप समझ सकते हैं, ये लॉन्ग रेंजर के हिसाब से जो मोस्ट स्नाइप किल्स लेने वाला है उसको यहाँ पे 50,000 मिलने वाला है। मोस्ट फिनिशेस बाय स्क्वाड को भी, जो स्क्वाड सबसे ज्यादा फिनिश लेगी फिनिशेस करेगी उसको भी 50,000 मिलने वाला है। और द रैम्पेज फ्री जो मे बी आप समझ सकते हैं इन द सेंस ये एमवीपी ऑफ द मैचेस, जो एमवीपी ऑफ द मैच होगा उसको यहाँ पे 50,000 मिलने वाला है। और द रिडीमर, रिडीमर में सही से नहीं समझ पाया हूँ, ये रूल बुक में सही से मेंशन किया हो गया होगा तो टीएनसी मामा भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे मेन नोटिसेबल है कि एमवीपी को भी यहाँ पे 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाले। तो अब 1 लाख रुपीज अगर प्राइस पूल में देखें तो 7th प्लेस को यहाँ पे 1 लाख रुपीज मिल रहा है, तो सेम प्राइस यहाँ पे एमवीपी को भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने अभी बोला कि टीएनसी मामा ओपी आपको एक्सप्लेन करेंगे रूल बुक्स के जो सारे रूल्स हैं और किस हिसाब से सैंक्शन होने वाला, किस हिसाब से पॉइंट्स टेबल होने वाला, वो सब कुछ अभी आपको मामा ओपी एक्सप्लेन करेंगे। बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो ये इस वीडियो को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एंड टीएनसी मामा ओपी विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू, ये जरूर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा, इस वीडियो अपलोड होने के अराउंड ये वीडियो पे अगर जैसे ही हमको 20 लाइक्स आ जाएंगे उसके तुरंत ही आपको ये सेकंड पार्ट जो रूल बुक का है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो रूल बुक के वीडियो के लिए जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अभी आपको जो टीएनसी मामा ओपी सेकंड पार्ट में आपको रूल बुक का पूरा समझा देंगे, तो रूल बुक का क्या सीनारियो रहेगा तो वो आपको सब टीएनसी मामा ओपी भी समझाएंगे। जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन करके हमारे हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड वी हम भी एक स्कीम के लिए सर्च कर रहे हैं, एंड इफ यू आर रेडी तो ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, तो आप अपना एक क्लिप भी भेज सकते हैं। नहीं क्लिप क्लिप के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रायल्स तो नहीं ले रहे, बट आप क्लिप भेज सकते हैं, उसके बाद आपको सीधा ट्रायल्स आपके लिए जाएंगे टीडीएम एंड क्लासिक्स दोनों में। तो अभी के लिए मैं अलविदा कहना चाहूँगा। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है 20 लाइक्स होने के बाद तुरंत ही सेकंड पार्ट यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।